हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज सुबह से कमदम कंप्लीट हो ही गए, सिर्फ खाना बाकी है। खाना बनाकर खाना बनाने के बाद खाना खाऊंगी। ज़्यादा कुछ नहीं बोले, शनिवार है इसलिए खिचड़ी बन रहा है। खिचड़ी बनाकर खा के रेस्ट हो गया। सोच रही बेटी बुरी का थोड़ा निकले, दोनों एक्टिव नहीं हो रहे हैं ना, बातचीत पे कोई भी तरीके से ना हो ना, जैसे कि खोल के नहीं चलती ना, खोल मिल के नहीं चलती। लेकिन उसके मन में क्या है नहीं है नहीं समझ में आ रहा है, तो इतना उल्टे चलती है दिमाग। क्या है चल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है अभी। देखिए उसका क्या है, पहले जिस जगह में थी वो जगह इतना अच्छा नहीं था, परिवेश ठीक नहीं था, खेलने कूदने का जगह भी नहीं था। देखिए इसको लेकर निकलूंगी, दो चार दिन में कब तक ही समझ में आ जाएगा उसका क्या प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। जब तक मैं समझ नहीं पाऊंगी तब तक उसको चेक नहीं कर पाएंगे, इसका दिमाग बातचीत ठीक से नहीं करती, बदमाशी कर मेरे से सब कुछ ठीक है और रिश्ते से कुछ नहीं। मुझे लग रहा है वो मिल जुलते नहीं इसीलिए वो ऐसी है, दूसरे के साथ बातचीत करेगा, देखा करेगा, बात बच्चे के साथ मिलेगा तो उसका मन अच्छा लगेगा। देखिए ठीक है, टाटा बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, एक दूसरे का हेल्प करते रहिए और एक दूसरे के मन का बात को थोड़ा समझते रहिए, क्योंकि कोई ना किसी को समझने वाला है ही नहीं। पैसा वाला होकर भी समझते नहीं है, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो लोग भी नहीं समझते। ज़्यादातर क्या होता है ना, इंसान बहुत अहंकार दिमाग में पोस के रखते हैं, बहुत अहंकार है कुछ कुछ इंसान के मन में। अच्छा नहीं है एक दूसरे के, जो कोई कम बात करते इसका मतलब ही नहीं वो अहंकार है, उसका घमंड है। उसका मन का बात भी समझना चाहिए, कभी किसी से गलत मत सोचिए पहले, किसी के साथ ना मिल के किसी के बारे में उल्टा बोलना भी ठीक नहीं है, गलत है। ठीक है, टाटा बाय बाय।